सलावात सूरह अल मुबारकत अल फातिहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برأي خشنودي قلبي مقدس أم الحسين فاطمة الزهراء صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات السلام عليكم ورحمة الله अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने चुन चुन कर इस अजीम बेमिसाल जहां मुखलिसीन प्योर और बिल्कुल पाक दिल जमा हैं पाक दिलों को मिलाने के लिए रब ने एक और ज़मीन के टुकड़े को हमारे इख्तियार में दिया जहाँ इतनी प्यारी मोमिनात जमा हैं स्पेशली व्हेन यंगस्टर्स या द मोमेंट आप अपना स्टेप घर से उठाते हो आपने जैसे ही सोचा लेट्स गो फॉर मजलिस उस नियत उस इंटेंशन के साथ ही फरिश्ते आपको तुबाक 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 मीन्स हाउ लकी हाउ फॉर्चुनेट यू आर नारा बुलंद करते हैं और जब आप बारगाह अबू तालिब में कदम रखती हैं तो ये बारगाह झूम उठती है खुशी से ये रिवायात के अल्फाज हैं खुश होती है ज़र्रा ज़र्रा हम समझते हैं ये बेजान है मैं बहुत से प्रूफ्स दूंगी आपको पता चलेगा इसमें कितनी जान है ये किस तरह सुन रहा है हम समझते हैं इसमें कोई लाइफ नहीं है नहीं ज़र्रा ज़र्रा आपकी आमद
आपके वजूद आपके प्रेजेंस को फील करता है और आपके लिए दुआगो होता है. स्पेशली दिस मंथ ऑफ मुहर्रम अल हराम, क्या गोल्डन डायमंड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए. 11 महीने एक तरफ जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, यू नो दे आर ऑलवेज अलाइव अवेयर जाकिर, बट मुझ जैसे लोग जो गाफिल होते हैं, जो नेग्लिजेंस का शिकार हो जाते हैं, मुझ जैसे लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए माह मुहर्रमुल हराम एक परवाज या एक बहुत स्पीड के साथ उस सफ़र को जिसमें हम पीछे रह गए हैं, क़ुर्ब इलाही का सफ़र, क्लोजनेस टू अल्लाह का जो जर्नी है जिसको हम अपनी ही हरकतों की वजह से हम रह गए हैं पीछे. लेकिन ये महीना आ जाता है, पता है ये कैसा महीना है? पता है ये इश्क वालों का महीना है, ये मोहब्बत वालों का महीना है, ये इमोशन एहसास दिल वालों का महीना है, ये खाली हाथ वालों का महीना है. उन्हें भी उम्मीद दे रहा है कौन? वो आका, वो मौला. मे बी वी कांट बिलीव इट, यू नो द लेवल ऑफ सिंसियरिटी, खुलूस नेक्स्ट लेवल. मेरे एक उस्ताद कहते हैं अगर डे ऑफ जजमेंट में पर्दे हटे और हमें पता चले कि आका अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम करबला आए थे ओनली टू गाइड अ पर्सन लाइक और जस्ट फॉर हर, या वी आर जस्ट ये सपोज कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं, तो खुदा की कसम हम ताज्जुब नहीं करेंगे जब हमें बाफिन, जब हमारे सामने से कर्टन हटेंगे, हमें पता चलेगा कि हुसैन का दिल कैसा दिल है, तो हम ताज्जुब, हम हैरान, हम परेशान नहीं होंगे कि मौला एक के लिए अपनी औलाद को कबूल कुर्बान कर रहे हैं. नो, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, वो सब के लिए, आप एक एक के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर सकते हैं. ये हम और आप हैं जो क्वांटिटी को देखते हैं. आका अबा अब्दुल्लाह के इंस्टीट्यूट में क्वांटिटी नहीं है, कमियत नहीं है, नंबर नहीं है. ये शायद मुझ जैसा जाहिल हो जो कहे ओके इफ 100 पीपल आर यू नो गैदरिंग टुगेदर टू कमेमोरेट दिस मंथ एंड दिस आजादारी देन या आई विल गो देयर. यू नो इफ 100 पीपल्स आर देयर, हम समझते हैं मजलिस में रौनक है, वो हमारी हैवानी आंखें देख रही होती है, लेकिन मकतब अबा अब्दुल्लाह हुसैन में नहीं देखी जाती. मौला जब से मक्का से निकले, गौर से सुनिएगा, जिस अंदाज से मौला ने जहाँ जहाँ स्टॉप किया, वहाँ वहाँ जिसको भी देखते विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रूल, सबसे कहते थे मेरा इंस्टीट्यूट सबके लिए खुला है, आ जाओ आ जाओ. हम लोग तो इतनी कंडीशंस लगाते हैं ना, आओ आओ. सबको बुलाया, सबके पास गए. अजीब ये दरगाह है, इसलिए हम कहते हैं ए रहमत वासिया इलाही, हुसैन कौन है? या मन इस्मुहू दवा व ज़िक्रुहू शिफा को मैनिफेस्ट करने वाले, जलवे शफा करम रहमत इलाही दवा इलाही जो है ये सफीने निजात है, इसलिए हमने बुलाना है. बुलाएं जिनके चेहरों पर आपको हुसैनी नूर नज़र नहीं आता, उनसे ज़्यादा प्यार करें. हमें नहीं सिखाया, हम कम प्यार करते ना, हम हुसैनी नहीं हैं. जिनको अगर आप लगे कोई ज़्यादा हुसैनी नहीं है, ज़ैनबी नहीं है, उन्हें और प्यार करो, उन्हें और मोहब्बत की ज़रूरत है, उन्हें इस सफीना, इस हसीन से आँख में बैठने के लिए बेहतरीन इन्विटेशन भेजो. ये वो दरगाह है जो रहमान और रहीमियत इलाही को मैनिफेस्ट कर रहा है, हम सबको बुला रहा है.
आइए इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हमारे वजूद से ज़ैनबी जो लेडीज़ ऑफ करबला का जो करेज है, जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअली सही जेन्युइन फेमिनिज्म है, जो हमें करबला में लेडीज़ ऑफ करबला की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसमें नज़र आता है, इंशाअल्लाह 9 days वी आर टुगेदर. और 9 वैसे भी बड़ा पावरफुल नंबर है, वी ऑल नो, बिकॉज वी आर कनीज़ान फातिमतु ज़हरा, एंड वी ऑल नो दैट आवर सैयदा, आवर बीबी जान, हर पोजीशन नियर अल्लाह तबारक व तआला, या हर ब्यूटिफुल रैंक एंड स्टेटस विच वी नो बाय दिस हदीस दैट इन्ना ली फातिमता तिस्सअतु अस्माइन इंदल्लाह. इफ यू रिमेंबर इन अय्यामे फातिमिया आई यूज्ड टू you know, recite all these hadiths in tune, because unfortunately this is not common in our community ke hum log nohe padhte hain, therefore you know hame noha yaad ho jata hai tune ke sath, marsiye padhte hain, qaside padhte hain, lekin ahadees ko hum rhymes ki shakal mein nahi padhte. Agar padhe aap jo ke hum janab zainab e kubra se seekh rahe hain to hame ahadees yaad ho jayengi, sayings of masumin yaad ho jayengi. To kya kehte कि जनाब उम्मे ज़ैनब के 9 एट्रीब्यूट्स हैं. 9, दिस नंबर इज रियली पावरफुल. दिस 9 days मुकद्दमा है ताकि हम आशूर के दिन एक अश्क, एक टीयर्स, आंसू परवरदिगार आलम हमें रिज्क में दे ऐसा वो वफा का या लॉयल्टी वाला आंसू हो, और हम शिकार बन जाएं इमाम हुसैन के, हम मजज़ूब हो जाएं. मेरी उम्मीद यही है कि इस साल इमाम हुसैन कुछ ऐसा करेंगे हमारे साथ कि हम इमाम के इंशाअल्लाह जिस तरह इमाम चाहते हमें अपने से करीब कर दे और हम हो ही जाएं इंशाअल्लाह. ये हमारी तमन्ना है, ये हमारी आरज़ू है, हम इस आरज़ू तक इंशाअल्लाह पहुँचते चले जाएंगे. तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम 9 ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे पिलर्स, ऐसे हैबिट्स, ऐसी सिफात एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट करें अपने अंदर. वो 9 हैबिट्स जो ज़ैनबी माइंडसेट, ज़ैनबी फिक्र, ज़ैनबी जमाल, जिसको अभी तक दुनिया नहीं समझ सकी. अभी तक हमने दूर से देखा है, जैसे कभी हम दरिया देखते हैं ना दूर से, ना करीब गए, ना छुआ, ना लिया, नथिंग. यू नो इट्स सो ईजी टू से ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बट प्रोनाउंसिएशन तो प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हकीकत में क्या माना है ज़ैनब का? परवरदिगार आलम हमें रिस्क में मारिफत सैयद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इनायत फरमाए. सलवात भी दी मैं कुछ दिन पहले ही मैंने पहली बार इस हदीस को पढ़ा, एंड आई ट्रूली लव द वे समटाइम्स यू नो इवन माय टीचर्स दे शेयर विद मी दिस काइंड ऑफ सेइंग्स ऑफ मासूमीन अलैहिस्सलाम दैट यू नो दिस हदीस आई हैव रेड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. तो मैं कहती हूँ वाओ, यू नो ये सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ता रहे, अच्छा इसको एक नई हदीस मिली है, तो कितना मज़ा आता है. ठीक है, जो जो फैशन की दुनिया में हो, जो आई डोंट नो होस्टलिंग और पता नहीं फूड की दुनिया में, वो कहें कि मुझे आज एक नई जगह का पता चला है, तो आप सब कहेंगे तुम्हें नई जगह का पता चला है तो वो क्या जगह होगी. तो एक नई हदीस जिसको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, और हदीस को ना ऐसे मज़े मज़े से पढ़ना चाहिए, चाहिए टेस्ट करें, इंजॉय करें. हमने चबी बनना है स्पिरिचुअली, सही है, सेहतमंद बनना है, कवी बनना है. यह हदीस हमारे आका, हमारे बहुत ही प्यारे मौला सैयदुस्साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की है.
आप फरमाते हैं कि जब हम अपने वतन की तरफ जाएंगे लिका इलाही के लिए, मीन्स कब्र में, तो इससे पहले कि नकीर और मुनकिर दो एंजल्स आए हमारे पास, दो और एंजल्स आएंगे और उनका नाम है रोमानो फत्तान। उन एंजल्स की जॉब क्या है, ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी ये है कि वो जो डेड बॉडी है, मैयत है, उसको स्मेल करेंगे, सूंघेंगे। सूंघना बहुत अहम है इस्लाम में। सूंघेंगे, अगर उससे खुशबू ये शरीकतुल हुसैन ज़ैनब कुबरा आ रही हो तो वो कहेंगे नकीर और मुनकर से, चले जाओ, ये तो ज़ैनबी आया है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सूंघना, और वो खुशबू कैसे आती है? इंशाल्लाह इन 9 डेज में जितनी भी हमारी खुशबू है, फ्रेग्रेंस हमारे पास है, उसको हम और बूस्ट करेंगे। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू हमारे वजूद से निकलेगी कि दूर दूर से रोमान एंड फत्तान कहेंगे, हमें तो दूर से ही खुशबू आ रही है, करीब आने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर कुछ और एंजल्स आएंगे, पता है, वो भी बुके लेकर आएंगे, फूल या स्मेल का बहुत ज़्यादा है इस्लाम में, अच्छी खुशबू का। बच्चों के लिए कहा गया है रीहुल वलद मिन रीहिल जन्ना, या यू हैव टू नो दिस हदीस एंड यू हैव टू रिसाइट इट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। यू से यू नो माय फ्रेग्रेंस इज फ्रॉम द फ्रेग्रेंस ऑफ जन्ना, यू नो आई एम रिप्रेजेंटिंग द खुशबू ऑफ जन्ना इन दिस दुनिया। रीह यानी खुशबू, रीहुल वलद यानी औलाद, चाइल्ड, रीहुल वलदी मिन रीहिल जन्ना, याद हो गया सबको? या रीहुल वलद मिन रीहिल जन्ना। मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, ठीक है, कोशिश कर रही हूँ। सो हमने सोचा है इंस्टा में, ट्विटर और इसी तरह टिकटॉक, क्योंकि बाहर की दुनिया में टिकटॉक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, वहाँ बहुत अच्छी तालीमात भी मिलती है, मुझे पाकिस्तान का इतना पता नहीं। और इसी तरह ख़ास तौर पर इंस्टा और टिकटॉक में कुछ क्विज किए जाएंगे और इंशाल्लाह कुछ इनामात आप लोगों को मैं गिफ्ट्स देना चाहूँगी, बिकॉज मेरा बड़ा दिल चाहता है। मैंने अपनी टीम से कहा कि मैं खुद दूंगी, मेरा दिल चाह रहा है अपने हाथ से, मैं आप लोगों का हाथ चूमना चाहती हूँ, अपने जवानों के करीब होना चाहती हूँ। मैं दुनिया भर में जहाँ भी जाती हूँ, कभी जब बहुत रश होता है तो वो कहते हैं ना जाए दूर हो जाए, टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ नो, आई हैव टू मीट देम, आई हैव टू हग देम, यू नो यू कांट से यू नो टू स्पेशली टू यंगस्टर्स के वो दूर हो जाए। नहीं, सिर्फ बड़े मुझसे चिपके नहीं रहे, बच्चों को भी नज़दीक आने दे। बच्चे बेचारे एहतराम में पीछे होते, बड़े आगे आगे होते, तो बच्चे मीन्स मेरे जवान खूबसूरत जो नूर है उनके लिए मेरी जान कुर्बान इंशाअल्लाह, क्योंकि इस्लाम ने मुझे ये सिखाया है। तो ये हदीस बहुत प्यारी है, रीहुल वलद मिन रीहिल जन्ना। मेरा बेटा काजिम कहता है ना, मामा आपके तो पता नहीं पाँव के नीचे जन्नत होगी, मैं तो पूरा खुशबू ये जन्नत हूँ, कम इन किस मी, या कम इन यू नो स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ जन्ना फ्रॉम माई हार्ट, यू नो। वो तो खुद ही कहते हैं मुझे चूमो, और चूमना भी चाहिए। मैं 10 डेज बाद जाऊँगी, सो आई डू ऑल द कज़ा यानी ओ एवरी डे आई यूज टू किस यू फॉर एग्जाम्पल 14 times, अब 12 डेज में मैंने 14 टाइम्स आपको बोसा नहीं दिया, किस नहीं किया, मामा डिप्राइव रह गई सब आपसे, अब चले सब कज़ा करते हैं, और इतना अज्र इतना सवाब। तो वो फरिश्ते भी हमें सूंघते हैं, खुशबू आए हमसे, और एक फरिश्ता एक बुके लेकर आता है और उसको जब हम सूंघेंगे तो हमारे सामने से हिजाब हट जाएगा। जब हिजाब हटेगा
अभी हमारी रूह मुकम्मल कब्ज नहीं हुई. दिस इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ कनीज़ान ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, कि ना अभी कैप्चर नहीं हुआ हमारा सोल, अभी है आलम एहतज़ार है. एहतज़ार मीन्स हाजिर, प्रेजेंट होना. हमारे आमाल हाजिर हो रहे हैं, हमारे सामने से कुछ पर्दे हट रहे हैं. और आपने देखा होगा कोई जब मरने वाला होता है तो उसको उसकी एक अजीब कैफियत होती है, वो इधर भी है उधर भी है और एक अजीब बीच के आलम में होता है, आलम एहतज़ार. उस आलम एहतज़ार में हमें एक खुशबू सुंघाई जाएगी उस फ्लावर्स के ज़रिए. हम उसको सूंघेंगे तो और जो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, कर्टन्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे और हम क्या देखेंगे, क्या दिखाया जाएगा हमें. अहादीस ने कहा, हरामुल अलल जसद अन तुफारिक रूह हत्ता तरा फातिमा व अली व मुहम्मद व हसन व हुसैन व शरीकतुल हुसैन. इस रूह को इजाज़त नहीं है वो बदन को छोड़े, अभी छोड़ेगा नहीं. छोड़ने से पहले वो ज़ियारत करेगा जमाल हुसैन व दुख्तर हुसैन ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा. और उस जमाल को देखने के बाद हम ख़ुद कहेंगे कि हमें नहीं रहना, हमें उस आलम में जाना है. और हमें इज़्ज़त के साथ, हम ख़ुद चूज़ करते हुए खुशी के साथ वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह. ये रुतबा है, ये मकाम है. अब उस खुशबू ये ज़ैनबी को लेने के लिए पहला स्टेप आज हमने उठाना है ना, वो पहला पिलर, वो पहली हैबिट, वो पहला जो कदम हमने उठाना है वो क्या है. आप लोग क्या सोच रहे हैं? कोई सोचेगा शायद कोई इबादत करनी होगी, कोई जिक्र करना होगा. करते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन इतना नूर जमा करते, इतनी लाइट 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 लाइट, यू नो, शॉपिंग बहुत करते हैं इबादतों की, सवाब की, लेकिन उन्हें हमें मेंटेन करना, उसमें हम बड़े निकम्मे हैं. भैया सब ख़राब हो जाती है चीज़ें. जैसे जिसको प्लांटिंग का शौक़ ना हो, वो बहुत सी चीज़ें प्लांट करता है, कोई भी नहीं निकलता, तब तवज्जो नहीं देता, सब ख़राब हो जाते हैं. बड़ा खुश होता है कि भी ये फूल निकलेगा, वो होगा, कुछ नहीं होता. ये एक बहुत प्यारा स्किल है कि आपके पास जो है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसको ख्याल रख सकें. पहला कदम क्या है? हम जो क़ुर्बत यानी क्लोजनेस जो चाहते हैं ना, अटैचमेंट, हम चाहते हैं अटैच हो जाएं अपनी सैयदा के साथ, ख़वातीन करबला के साथ. वो अटैचमेंट हमें कब मिलेगी, उसका पहला स्टेप क्या है? आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप बन ही नहीं सकती शरीकतुल हुसैन दुख्तर अली सैयद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ नहीं बन सकती, मगर ये कि आपने पहला स्टेप यहाँ से उठाना है, टंग या लिसान, कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, किस नियत से बोलते हैं. ये इतना अहम है कि अल्लाह ने हदीस कुदसी में कहा, जब मेरे नबी ने पूछा, या रब मा अव्वलुल इबादा, परवरदिगारा पहली इबादत कौन सी है, तो अल्लाह कह रहा है अव्वलुल इबादा अस्समत. मे बी दिस वर्ड वुड बी अ न्यू वर्ड फॉर सम ऑफ आवर यंगस्टर्स. समत स्वाद से है, जैसे सौम सदका, तो पता है ना स्वाद से लिखते हैं, पता है ना, ठीक है, स्वाद ज़ात वाला सदका. इसी तरह सौम यानी रोज़ा रखना, और समत समत यानी आप इतने फोकस हैं, आप में इतनी स्ट्रेंथ है, ताकत है, विजडम है, कि आप सोच समझ के अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सब हमें चाहें, सब हमें देखें, या हर कोई अटेंशन चाह रहा होता है,
इसलिए हम लोग यूनिक यूनिक चीज़ें पहनते हैं कि कोई एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा देख लेंगे, ओह वाओ व्हाट शी इज़ वेयरिंग यू नो ट्वाइस ट्वाइस, कितने खुश होते हैं कि ओह सबसे पहले मैंने पहना, मेरी चीज़ सबसे खूबसूरत है। तो कोई बुरी चीज़ नहीं, अच्छी बात है, सही है, हमें अटेंशन चाहिए, कोई बात नहीं। अब इस अटेंशन के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते 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 चैटरिंग चैटरिंग ना बहुत ज़्यादा, क्यों, हम समझते हैं मैं बोलूँगी तो हर दिल अजीज हो जाऊँगी, जबकि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है बिला वजह बोलना। हम जो कह रहे हैं ना खामोशी, साइलेंस का जो एक अपना एक लुत्फ है, एक लज्जत है, एक प्लेजर है, एक अजीब नेमत है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक्सरसाइज करें, कैसे आप वर्कआउट करें, किस अंदाज से आप उस बहुत ही पीसफुल स्टेट तक पहुंच सकती हैं इस अजीम इबादत को अपने अंदर लाकर। जब इंसान खामोश होता है तो खामोशी वो अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करता है। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो हैं ही खामोश, उनके लिए कोई बड़ा कमाल नहीं, कमाल उसका है जो है बड़ा टॉकेटिव और अब कहे कि मैं ज़ैनबी फ्रेग्रेंस इस खुशबू के खातिर सोच समझ के बोलूँगी, तीन गेट्स से अपनी वर्ड और अल्फाज को निकालूँगी। नंबर वन कि ये लफ्ज़ जो मैं बोल रही हूँ, ये लफ्ज़ या अगर सोचे समझे बगैर बोलूँ, बोलती चली जाऊँ, स्पेशली जब हम अपसेट हों तो फिर क्या होता है, क्या होता है, वो कहते हैं एक वेपन की तरह होता है कि वेपन में अगर आपने एक दफ़ा गलती से शूट कर दिया तो कर दिया, ये चला गया तो चला गया, इसको एक वेपन समझे, एक असलहा समझे। और बहुत मोहतात अंदाज से हमें बोलने को कहा गया है, ये हमें किसने सिखाया है, किसने कहा है, हमने कहा हदीस कुदसी में है अव्वलुल इबादा सम, और अगर आप नहजुल बलागा उठाएं जनाब ज़ैनब कुबरा के बाबा का कलाम, अबू ज़ैनब का कलाम, कि जिसमें मेरे आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया है नहजुल बलागा में। नहजुल बलागा क्या है, किताब तक्वा है, कहते हैं ना तक्वा की किताब है, क्यों, इमामुल मुत्तकीन का कलाम है। तक्वा की किताब में द सर्मन ऑफ पायस और मुत्तकीन के बारे में जो दिया गया है, मेरे मौला ने 110 सिफात बताई हैं। जो पहली सिफत बताई है तक्वा के लिबास के लिए वो क्या है, समत या मलबसहुमुल इक्तिसाद से पहले क्या है, व मंतिकहुमुस्सवा व मशयहुमुत्तवाज़ु व मलबसहुमुल इक्तिसाद वक़फू अस्माअहुम अला इल्मिन नाफ़िअ अज़मल खालिक फ़ी अय्युनिहिम फ़सग़रा मा दूनहु। ये अजीब लोग होते हैं जो मौला अली के गिर तवाफ़ करते हैं इमामुल मुत्तकीन से खुशबूए तक्वा को लेने वाले अपने तक्वा के सफर को लिसान जबान कलाम और अपने मुंह के जरिए शुरू करते हैं। ताहिरु अफवाक अफवाहकुम फइन्नहा तुरुकुल कुरान, अपनी जबान को पाक रखो, क्यों, क्योंकि ये कुरान शरीकतुल कुरान तक पहुंचने का रास्ता है। आपने या ज़ैनब या हुसैन कहना है तो इस जबान को उतना ही ज्यादा पाक होना चाहिए। फादर क्रिस्टोफर को आपने शायद पढ़ा होगा, आप माशाल्लाह अहले मुतालिया हैं, जो साउथ अफ्रीकन प्रीस्ट हैं और जो चर्च में अय्याम फातिमिया मनाते हैं, ज़ैनबिया मना रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो शियाइज़्म को प्रोपगेट कर रहा है वो है फादर क्रिस्टोफर, या जिनकी किताब बहुत मशहूर है हाफ ऑफ माई हार्ट, कितने लोगों ने पढ़ी है Half of my heart, beautiful book. Father Christopher कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ कि इतनी अजीम पर्सनैलिटी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर मुझे कोई इल्मी लेवल की कोई बुक नज़र ही नहीं आई। वो कंप्लेन, वो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हम मुस्लिम उम्मा से कि आप लोग लिखते क्यों नहीं हैं, यू नो, ख़ास तौर पर ख़वातीन के बारे में हम लोग सही नहीं लिखते, यू नो यू आर नॉट गुड। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक किताब लिखी है जनाब फातिमतुज़ज़हरा पर, हाफ ऑफ
उनका हार्ट जनाब ज़हरा के साथ है और दूसरा हाफ जो है वो हज़रत ज़ैनब कुबरा को दे दिया। ऐसा बंदा, और ज़रूर आप देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, सबको बताइएगा कि ये कैसा मकतब है कि जो हमें यहाँ से शुरू करवा रहा है। हम समझते हैं हमारा मज़हब जो है ना वो सिर्फ इबादतों का नाम है, नहीं, ये ज़बान बहुत ज़्यादा अहम है। हदीस में है, आप दीन और ईमान की लज्जत को, जायके को चख ही नहीं सकते जब तक आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल ना करें। इम्पॉसिबल, कितनी ताकीद की गई है। और अफसोस के साथ हम इस चीज़ को कोई दीन का हिस्सा नहीं समझते। और हदीस में है, इदा तम्मल अक्ल नकसल कलाम, जब जितनी अक्ल कामिल होती चली जाती है कलाम कम 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 कम, या तम्मल अक्ल, अक्ल तमाम हो गई, नकसल कलाम, कलाम नाकिस नाकिस नाकिस। जब हम ये सुनते हैं तो हमें वो हदीस याद आती है ना कि मौला अली ने शायद कहा है नहजुल बलागा में कि औरत क्या है, नाकिसुल अक्ल है, औरत की अक्ल कम है। नऊज़ु बिल्लाह, मौला ऐसा कहेंगे, हो सकता है? नहीं, मौलाए कायनात तो फेमिनिज्म के चैम्पियन है। कल मैं आपको वो लाला बाई सुनाऊंगी जो मेरे बाबा हदीसी लाला बाई मुझे सुनाते हैं और जो बूस्ट करते हैं उस डिवाइन क्वालिटीज़ को जो हमारे अंदर है। हमसे ज़्यादा कौन, हम एज अ वेमेन हम अपने आप को समझ सकते हैं कि यहाँ मौलाए कायनात कहें कि औरत की अक्ल कम है? इम्पॉसिबल, नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, जो भी ज़्यादा बोलेगा उसकी अक्ल कम होती चली जाएगी, क्योंकि बोलने में बड़ी ताकत जाती है, बहुत बहुत ताकत जाती है, बहुत ज़्यादा। तो जिसने भी ज़्यादा बात की उसने खुद अपने आप को ज़ाया किया, इन्वेस्ट किया, नहीं अपना वक्त दिया, अपनी एनर्जी दी। इसलिए जब आप खामोश होते हैं तो ज़्यादा फोकस होते हैं, फोकस होते हैं तो ज़्यादा फिक्र करते हैं, सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं तो आपके पास ज़्यादा विजडम आती है। ठीक है, और इसलिए मौला ने फरमाया, रुब्बा सुकूतिन अबलगो मिनल कलाम। सुकूत, सुकूत यानी कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप स्माइल ना दें, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखों में प्यार ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हग ना दें, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ज़बान के ज़रिए ही सब कुछ बाहर ना निकालें। आपके पास बहुत से दूसरे रास्ते जिसके ज़रिए आप अपनी मोहब्बत, अपने इश्क, अपने पैगाम को इशारों के ज़रिए, सही है, अपनी निगाहों के ज़रिए बहुत सी आप बातें कर सकते हैं, लेकिन इस लिसान का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। और इदा तम्मल अक्ल नकसल कलाम में ये बताया जा रहा है कि देखिए मेरे मौला की बेटी, ये जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आपका एक टाइटल है अकीलतो बनी हाशिम। अक्ल की एक डेफिनेशन ये की जाती है कि अक्ल क्या है, अल अक्लो मा उबिदा बिहिर रहमान वक्तो सिबा बिहिल जिनान। अक्ल वो पावर है, वो इनर मैसेंजर है जिसके ज़रिए आप अल्लाह की प्यारी सी प्यारी बंदगी करते हो, अल्लाह को अच्छा वर्शिप करते हो, और उसी अक्ल की रोशनी में आप जन्नत को कस्ब करते हो। कौन जन्नत से ज़्यादा करीब हो सकता है ज़ैनब कुबरा के मुकाबले में? अक्ल वाली सैयदा है हमारी, और अकीले बनी हाशिम है हमारी सैयदा। तो लिहाजा बिल्कुल वो बात नहीं है कि हम कहें जी ख्वातीन थोड़ी बहुत कम है, इमोशंस उसमें ज़्यादा है, अक्ल कम है। नहीं, वो अक्ल इज्तिमाई है, ये अक्ल इरफानी, अक्ल फ़हम जो है वो सब में बराबर है, क्योंकि अगर बराबर ना होता तो हमारा हिसाब किताब अलग होना चाहिए था। सही है, जैसे जो पागल होता है उसके पास थोड़ी सी समझ कम होती है ना, जो जिस जितने लेवल का हो तो उसका हिसाब किताब नहीं है, सही है, क्योंकि समझ कम है तो हिसाब किताब कम है। अगर समझ बराबर है तो हिसाब किताब बराबर है। इसलिए सवाब अजाब सब में मर्द व जन सब के सब बिल्कुल ही बराबर ही बराबर। अच्छा, ये बातें अब हमें इतनी घिसी पिटी लगती हैं, इतनी बोरिंग लगती है, क्योंकि जब आप ये समझ लो कि असल तो रूह है,
असल तो सोल है. सोल कैन नॉट बी डिवाइडेड या इन मेल और फीमेल. वो कोई फेमिनिन और मैक्सिमिन होता ही नहीं है. दो नहीं हो सकते. रूह रूह है और रूह असल में सब कुछ हासिल कर रही है. बात वहीं पे ख़त्म हो गई इंशाअल्लाह. आइए हम अपने अख्लाक को इस तरह से बेहतर बनाएं जिस तरह ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं कि जो शबे 28 ऑफ रजब, रजब की जो रात थी जब रवानगी का मसाइब बयान किए जाते हैं, कहते उस रात इमाम हुसैन भी इबादत में, जनाबे ज़ैनब भी इबादत पे मसरूफ़ थी, क़ुरान की तिलावत कर रही थी. अल्लाह करे हम भी ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरान पढ़े, जितने नोहे सुने उतने सफ़े क़ुरान के भी पढ़ें. ऐसा ही होना चाहिए ना, ठीक है? वरना ये मैं क्योंकि जो वही इंसान ज़्यादा बात करता है जो अपने आप को बहुत बेहतर समझता है. इसलिए ख़वातीन कभी थोड़ा, कुछ ख़वातीन, सब नहीं, कुछ बहुत कम, थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है. लेकिन जब शोहरों के सामने वो बहुत ज़्यादा बोल रही होती है, उसका मतलब ये होता है वो कहना चाहती है मैं बहुत समझदार हूँ और आप में इतनी समझ नहीं है. तो पट 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 शुरू लेक्चर देना. या और जैसे ही आप ये एहसास करें कि मैं इतनी भी समझदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं क़ुरबान जाऊँ मेरे मौला पर, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इन तमाम जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको बहुत डिटेल में नहजुल बलागा में बयान किया है. आपने फरमाया मन वन्ना अन्नहु मुहसिन फहुवा मुसी, मन वन्ना अन्नहु आलिम फहुवा जाहिल, मन वन्ना अन्नहु आकिल फहुवा अहमक. जो ये समझता है मैं बहुत पढ़ी लिखी समझदार हूँ, कहते वो जो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है वो बुरा है, जो अपने आप को बहुत आकिल अकलमंद समझता है वो बेवकूफ़ है. और आजकल एक बहुत बुरी बीमारी का जिक्र आजकल के साइकोलॉजिस्ट डिटेल में कर रहे हैं, वो है नार्सिसिज्म या खुद पसंदी. खुद पसंदी भी नहीं, नेक्स्ट लेवल खुद परस्ती, अपने आप को अपना वर्शिप करना, मैं. या जो नार्सिस्ट होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं. और हमारे माशरे में कहते हैं इला माशाल्लाह, बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि दुनिया बता रही है, दुनिया कह रही है कि नार्सिस्ट क्या होता है. वो समझता है कि मैं, यू नो, मैं इतना अहम हूँ, इतना अहम हूँ कि अगर फैमिली में कोई लड़ाई भी हो जाए और मेरी तारीफ हो रही हो तो वो उसको अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता. बच्चों में भी वो किसी एक बच्चे को बार बार कंट्रोल कर रहा होता है, बुरा भला कह रहा होता है, एक बच्चा बुरा होता है उसकी नज़र में, जिसको हम कहते हैं ब्लैक शीप. और एक बच्चा बहुत अच्छा होता है, उसकी तारीफ़ें की जाती है, उसको हम कहते हैं वो गोल्डन चाइल्ड. या एक को बहुत सर पे चढ़ाना, एक के पीछे हाथ धो के बैठ जाना, उसको कंट्रोल करना, उसको ब्लेम करना, उसको दबाना. और इस तरह की जो बीमारियां हैं उसका समझना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे विक्टिम बनते हैं नार्सिस्ट जो अब्यूज़ करते हैं बच्चों को, उसकी वजह से वो समझते हैं उनमें सेल्फ इस्टीम कम हो जाता है. वो समझते हैं कि मेरी गलती है, हर बात पे मुझे ब्लेम किया जा रहा है. और कल जब वो उन्हें कोई पोजीशन मिलती है वो भी फिर दूसरों को कंट्रोल करने लग जाते हैं, दूसरों को बुरा भला कहने लगते हैं. और ये लोग कभी कभी माशरे में, कम्यूनिटी में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लोग कहते हैं वाओ शी इज़ सो चार्मिंग, इसकी फैमिली कितनी लकी है, कितनी अच्छी होगी. लेकिन फैमिली वाले कहते हैं हाय आपको क्या पता हम पे क्या गुजर रही है. जो भी वो हो, अगर पार्टनर है, अगर पेरेंट है, सही, अगर स्पाउस है, अगर सास है, जो भी है, वो अपने साथ वाले को बहुत तंग कर रहा होता है वो शख्स. इसलिए मैं सदक़े में क़ुरबान या ज़ैनबी माइंडसेट की जो ख़ूबसूरत टीचिंग्स है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बताई गई. हम पढ़ते नहीं हैं, हम निकम्मे, हमारे पास वो ओशन पड़ा हुआ है इल्म का, लेकिन हम कभी उसको निकालते नहीं, अप्लाई नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ में,
कि किस तरह से हमें समझाया गया है कि इस खुदी से निकल आओ, अना के दलदल, अना यानी मैं के दलदल में अगर आपको जी कुछ भी हो जाए, मेरी तारीफ हो जाए, बच्चे की मोहब्बत भी वो इस तरह से करते हैं कि आखिर में वो बच्चा उनके लिए बेनिफिशियल हो, अपनी तारीफ। और मूडी भी कहते हैं कभी होते, कभी कभार बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत प्यार करने लगते हैं, मीठे हो जाते हैं, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। सामने वाले कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको जब अब पता चलेगा इसके बारे में तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगोगे, आपको कि हाँ मैं बुरी नहीं हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो शख्स में वो बीमारी है, फिर हम उसको हैंडल करना सिखाएंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, जिसको जो हमारे माशरे का हिस्सा है, जिसको हम अहमियत अनफॉर्चुनेटली नहीं देते। इसलिए मैं कह रही हूँ जब आप अना से निकलेंगे आप तो हीदी बनोगे, जिस तरह मौला अली के बारे में है कि आपने खुतबे मुत्तकीन में 110 सिफात बताई, आपका नाम का हरूफ अबजद भी क्या है 110, अली 110 या नंबर है। इसी तरह ला इलाहा इल्ला हू का अगर आप नंबर निकालें वो भी 110 है। हदीस कुदसी में रब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी मन दखला हिस्नी अमिन अमिन अज़ाबी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो मेरे किले में आएगा, जो मेरे किले में आएगा वो अजाब से अमान में होगा। और फिर रब ने कहा विलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन अमिन अज़ाबी, अली की विलायत भी मेरा किला है, रब कह रहा है। अली विलायत यानी वही रुबूबियत, अली वो नूर है कि जिनको देखकर लोग अल्लाह तक पहुंचते थे। मदीना की गली में लोग मौला अमीरुल मोमिनीन को देखते, लेकिन जब जमाल अलवी को देखते थे तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ैनब कुबरा भी हमें अल्लाह तक लेकर जा रही हैं कि हम जब भी या ज़ैनब कहें तो हमारे सजदे पहले से भी ज़्यादा नूरानी से नूरानी तर, तूलानी से तूलानी तर हो जाए। लोग जब मौला अली को देखते थे यूं कहते थे मा अशजा हादल फता, आप सब कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, मा अकरमा हाजल फता, मा आलमा हाजल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना करीम है ये शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का जलवगर। इसलिए कहा सूरह तौहीद यानी यानी अली का सूरा। एक मरतबा सूरह तौहीद पढ़ा तो अली को लिसान के जरिए अली से मोहब्बत और विलायत का इजहार किया, टू टाइम्स पढ़ा तो दिल के ज़रिए भी अली से मोहब्बत, और अगर तीन मरतबा पढ़ लिया तो कुल कुरान कुल ईमान, बदन के साथ, लिसान के साथ, कल्ब के साथ, अमल के साथ, पूरा वजूद अलीयुम वलीयुल्लाह के नूर में बदल जाता है। सलवात आइए अपने दिलों को आमादा करते हैं उस जर्नी, उस सफ़र के लिए जो हिस्ट्री बता रही है 28 ऑफ रजब में हुआ। वो आखिरी रात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो आखिरी रात इमाम हुसैन ने आधी रात तक इबादत में गुजारी, मुसल्ले पर गुजारी रब के साथ। मैं कहूँगी मदीना आज के बाद फिर तो हुसैन की नमाज शब, हुसैन की मुनाजात को ना सुन सकेगा। आज के बाद मस्जिद नबवी में कोई नमाज पढ़ने वाला पंजतन में से बाकी ना रहेगा। आखिरी नूर है पंजतन का। जैसे ही आधी रात हो गई इमाम हुसैन ने अपना रुख रोज़े रसूल की जानिब किया
قبر رسول پر آ کر اپنے دونوں ہاتھ کو رکھ کر کہا السلام علیک یا جدہ اور پھر رب کو پکارا اللہم اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور اس دنیا میں میرے سوا کوئی نواسے رسول نہیں ہے یہ کہہ کر اپنی مظلومیت پر حسین رونے لگے کہ میں واحد نواسِ رسول ہوں اور مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیا جا رہا مجھے میرے نانا سے دور کیا جا رہا ہے روتے روتے مولا کی آنکھ لگ گئی عالمِ رؤیا میں نبی آئے سینے سے لگایا امام نے روتے ہوئے کہا نانا مجھے اپنے پاس بلا لے نبی نے فرمایا اے میرے مظلوم حسین تم جلد میرے پاس آ رہے ہو نیند سے جاگے تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون نانا کے روزے کے بعد قبر حسن مجتبیٰ اپنے بھائی کی قبر پر گئے باوقار قدم اٹھا رہے ہیں بھائی کی وہ بات یاد آئی جو ہمیشہ روتے ہوئے کہتے تھے میرے بھائی لا یوم کا یوم کا جو دن تیرا آئے گا ایسا مظلوم بھرا انسان پھر کائنات میں نہ آئے گا وہی امام جو باوقار قدم اٹھا کر بھائی کی قبر پر گئے اب دوڑتے ہوئے ایک بچے کی طرح ماں کی قبر پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے میری ماں حسین کا آخری سلام ہو کہتے ہیں قبر سے آواز آئی اے میرے لال حسین کہاں جا رہے ہو ماں تیرے ساتھ آ رہی ہے اے میرے غریب حسین جب تو مقتل میں جائے گا میں مقتل کو صاف کروں گی اے میرے غریب بیٹے جب تو زلزلہ سے گرے گا تو میں اپنے چادر میں تجھے تھام لوں گی اور جب تیرا سر کسی کے دامن میں نہ ہوگا زہرا اپنے برقے سے تیرے سر کو دامن میں لے گی حاضرداروں شاید بی بی نے یہ جملے بھی کہے ہو کہ میرے حسین عالم بطن میں میرے پیٹ سے ہی تو یہ مرثیہ پڑھتا تھا کہ انا ولدک العطشان میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں انا ولدک العریان میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں کاش صرف عریان ہوتا میں وہ بیٹا ہوں جس کی لاش کو پامال کیا جائے گا ہاں اہل عزام دوسری جانب عباس و علی اکبر اماریاں سجا رہے ہیں بی بیاں باری باری بیٹھ رہی ہیں اتنے میں آواز بلند ہوئی علی کی بیٹی ام کلثوم تشریف لا رہی ہے امام حسین نے کہا عباس بہن کو سوار کرو علی اکبر نے پردہ ماری کا ہٹایا قاسم نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا ام کلثوم سوار ہوئی لیکن اب آواز آتی ہے علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے اہل عزا راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین ابن علی مسند پر بیٹھے تھے ایک دم سے بلند ہوئے کھڑے ہوئے بہن کا استقبال کیا عباس علمدار نے کہا ہے بہن میں آپ کو سوار کروں زینب نہ مانی ہاں جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں مجھے یہ شرف بخش دیجئے زینب نے فرمایا رک جاؤ بیٹا
कासिम भी आगे आए, ओनो मोहम्मद भी आए, हुसैन इब्ने अली भी आए। ज़ैनब ने निहायत अदब से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो। उलमा कुछ यूं पढ़ते हैं, उस वक्त बीवी ने कहा, आज मुझे वही सवार कराएगा जो 11 मुहर्रम को मुझे सवार। हुसैन मजलूम ने आवाज बुलंद की, ए मेरे बेटे सज्जाद, हाजा दारो करबो बला। 11वीं तारीख ज़ैनब की बेकसी का दिन, गुर्बत व तन्हाई का दिन, वो रुखसती जो मदीने से हुई उसको याद किया, अपना रुख फुरात की तरफ करके कहा, ए मेरे गासी, अब बहन को सवार कौन कराएगा। ये आवाज सैयद सज्जाद ने सुनी, जंजीर और तोक में मजलूम इमाम सवार करवाने। हमारी इस इबादत को बतौर अहसन कबूल फरमा या रब। इमाम ज़माना को इज़्ने ज़ुहूर इनायत फरमा। इमाम की दुआओं में हमारा ज़िक्र, हमारा याद शामिल फरमा। परवरदिगारा खुदावंदा हमारे कमज़ोर इरादों को कवी कर दे, हमें लिसान की तहारत और पाकी इनायत फरमा। बारे इलाह जो बीमार है उन्हें शफा 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 इनायत कर दे। या रब जो हाथ बुलंद हैं इनकी दुआओं को बतौर असरा मुस्तजाब फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत और बारगाहे अबू तालिब की जो मैनेजमेंट है, जो ज़हमत फरमा रही हैं, जो खिदमत कर रही हैं, उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में बतौर अहसन कबूल फरमा। परवरदिगारा इस अजीम बारगाह को अपनी ख़ास नज़र लुत्फ़ो करम और इनायत मशमूल हाल फरमा। परवरदिगारा हम सब की आक़िबत को ख़त्म बखेर फरमा। मातम हुसैन।